ऐसा भी कभी प्रतीत हुआ कि जैसे हम जिससे प्यार कर रहे हैं। औरंगाबाद में हसपुर के अनीश और आरा के सिमरन की अनोखी शादी। क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय, जाने क्या कुछ रहा खास। शादी दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के तरह तरह तरीके अपनाते हैं, लेकिन औरंगाबाद के हसपुरा में हुई शादी सिर्फ यादगार ही नहीं, एक मिसाल बन गई है। वैसे तो हसपुरा के अनीश और आरा के सिमरन की शादी आम शादियों की तरह ही संपन्न हुई, लेकिन एक बात इस शादी को खास बनाता है, इस शादी के माध्यम के सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का मुहिम छेड़ दिया गया है। आमतौर पर शादी में आकर्षक सजावट, बैंड और खाना पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अनीश और सिमरन ने अपनी शादी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों पक्ष के रिश्तेदार सहित शादी में शामिल होने वाले लोगों ने रक्तदान किया। अनीश इलाके में रक्तवीर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी शादी के मौके पर 14वीं बार रक्तदान किया, वहीं सिमरन ने 9वीं बार। सिमरन और अनीश ने तय किया था कि वे अपनी शादी के माध्यम से रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। उसके साथ शादी में शामिल होने वाले लोगों से शगुन के रूप में रक्तदान करने के लिए कहेंगे। अपनी शादी के कार्ड में भी उन्होंने रक्तदान का संदेश छपवाया था। अनीश की इस पहल ने दर्जनों लोग रक्तदान के लिए आगे आए और शगुन के रूप में रक्तदान किया। आमतौर पर लोग शादियों में उपहार लेकर जाते हैं, वहीं इस शादी में उपहार के रूप में किसी के जिंदगी बचाने का खूबसूरत एहसास लेकर जा रहे हैं। अनीश सिमरन के शादी पर लगे रक्तदान शिविर में दुल्हन के भाई हिमेश केसरी, बहन सुनीता केसरी, भाभी रेखा केसरी, भैया अभिषेक केसरी ने रक्तदान कर कहा कि जितनी खुशी मुझे आज हो रही है कभी नहीं हुई, शादी में रक्तदान करने का एहसास मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भाभी रेखा ने बताया कि मैं साधारण गृहिणी हूँ, जीवन में पहली बार रक्तदान कर रही हूँ, अपनी ननद की शादी में इससे बड़ा गिफ्ट मैं नहीं दे सकती थी। यह एहसास मुझे बार बार गुदगुदा रहा है कि मेरा खून दूसरे के रगों में मेरे बाद भी जीवित रहेगा। रक्तदान शिविर को संचालित करने आए निरामया ब्लड बैंक पटना के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि मैं अब तक सैकड़ों ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवा चुका हूं, लेकिन शादी के अवसर पर रक्तदान मैं पहली बार देख रहा हूं। मेरी जानकारी में बिहार ही नहीं, भारत में पहला ब्लड डोनेशन कैंप है जो शादी समारोह के बीच हो रहा है। इस कैंप में बिहार राज्य में रक्तदान के क्षेत्र में काम करने वाले रक्तवीर सुबोध कुमार यादव, प्रिंस सिंह, राजेश गुप्ता, विवेक मिश्रा व इनकी पत्नी कविता मिश्रा इस अनोखे शादी का गवाह बनने आए थे। ब्लड बैंक के गणेश कुमार भगत और इनकी टीम ने कहा कि अब तक 70 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया है और करने वाले का नंबर लगा हुआ है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। अच्छा अनीश जी, आप जो कल मेरे शादी किए हैं, पेरेंट्स को क्या लगता था कि हमारे लड़का लव मैरिज शादी कर रहा है या अरेंज मैरिज कर रहा है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों का बात होता था तो उसके बाद हम लोग बोले थे कि ये काम करते, हम लोग दोनों एक ही कास्ट हैं, ठीक है जी जी, और उसके साथ साथ हमारे रिलेशन में भी हैं जी, और हम लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिले थे जी, और मिलने के बाद जो है दोनों के बीच मन बना कि दोनों एक कास्ट है तो हमारे फैमिली के सहमति से ही शादी होनी चाहिए, और शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों में आवाज जानी चाहिए कि एक शादी ऐसा भी, यानी अनोखा भी हुआ। तो गर्व का पल था कल और काफी अच्छा लगा, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बहुत हमको कल अच्छा लगा। हम जिंदगी भर जो है उन लोगों का आभार रहूंगा जो कल रक्तदान किए हैं, और ससुराल वाले भी किए, हमारे वाले घर वाले भी किए। अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ऐसा भी कभी प्रतीत हुआ कि जैसे हम जिससे प्यार कर रहे हैं, जिससे लोकल प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, फेसबुक के जरिए मिल रहे हैं या ट्वीट की जमाना है, बहुत सारे ऐसे हैं प्लेटफॉर्म, कभी कि सिमरन जी का गार जीवन किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन लगाया? कोई ऑब्जेक्शन लगा, हमारे काम से बहुत खुश रहते थे जी, हमारा जो सोशल मीडिया पे देखते थे, कभी वीडियो बाइट देखते थे या फिर कभी न्यूज़पेपर देखते थे तो लोग खुश रहते थे, और वो हमारा ससुराल वाले जो है काफी लाइक करते हैं, लोग मानते भी हैं, कल दिखलो कोई मिला लग रहा है। और शादी में सबसे ज्यादा यूनिक रहा रक्तदान शिविर, जो कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, 70+ लोगों ने रक्तदान किए, काफी अच्छा लगा। और हम लोग का शिविर लगाने का मकसद था एक जागरूकता करना,
और 70 लोगों का जो डोनेशन हुआ है वो समझिए कि 221 लोगों का जान बचेगा। अच्छा अनिश जी, ऐसा आप आखिर क्यों समाज के लिए इतना बड़ा दान, जो रक्तदान कहा जाता है, जो महादान कहा जाता है, क्या लगता है? इससे कहीं ना कहीं जो है हमारे, हमने अपने को खोया है। हमारी माँ जो है 2006 में रक्त के चलते डेड की थी। अच्छा अच्छा। ब्लड कैंसर था, PMCH में एडमिट थे। कुछ अपने परिवार वालों ने ब्लड देने से कतरा गए और ब्लड नहीं दिए और हमारी माँ का डेथ हो गया। फिर जब हमको पता चला 2017 में पता चला कि मेरी माँ का डेथ ब्लड के कारण हुआ था, तब फर्स्ट शिविर में हम गए थे, ठीक है। उसके बाद देने के बाद जो है अच्छा लगा और मुझे कुछ भी मतलब फील नहीं हुआ कि रक्तदान करने से थोड़ा सा भी नुकसान है। उस दिन से रेगुलर हम देते हुए आ रहे हैं। आज मेरा 14वां रक्तदान हुआ। जी अनिश जी, अच्छा जैसे मैं बता दूं कि कल 22 जो क्या है कहते हैं 22 जनवरी श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। जी, दोनों खुशी कल थी, एक शादी, दूसरे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा था। जी जी। तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कुछ लोग बोले कि तुम्हारे शादी के अवसर पे दे रहे, कुछ लोग बोले कि हम श्री राम प्रभु के अवसर पे दे रहे। बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, जैसे आपको नहीं लगा कि हम अपने शादी कर रहे हैं और आज ही का दिन कर रहा है, एक यूनिक अलग तरह का? जी, इसमें तो कुछ परेशानियां आई बॉस की, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर का सुनो कभी उधर का सुनो, साथ साथ शिविर का भी देखो, डोनेशन भी करवाओ। परेशानियां तो कुछ आ रही थी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चलिए, इस अवसर पे ही हमने रक्तदान शिविर लगाया। हम दोनों का मन था कि जागरूकता करना है लोगों के बीच में। तो हमारे शादी में लगभग 1500 लोग आए थे, इसमें लोग 70 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। जी जी। और काफ़ी अच्छा लगा। कुछ लोगों का कहना था कि हम तुम्हारे शादी के अवसर पे रक्तदान कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आज से प्रभु राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा, उसके अवसर पे हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। तो दो खुशी एक लहर की मतलब जो है कल ये रहा। और इस तरह से लोगों को बीच में मुहिम चलाते रहना चाहिए। हर कोई अगर शादी विवाह करे तो ये सबसे अच्छा है, शादी करे, विवाह करे, या फिर बर्थडे पार्टी करे, या श्राद्ध भी किसी का हो उसमें भी शिविर लगाना होना चाहिए। इसलिए कि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आपके पास रहने के लिए कोई नहीं होता है, तो अपना वही होता है, या वक्त दे या रक्त दे, ठीक है। तो आप शादी करते हैं तो खाने वाले हजार आ जाते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में रहते हैं तो आपके पास आने वाले एक भी नहीं होते हैं। जी जी, बिल्कुल। घर वाले होते हैं कुछ, वो भी मतलब जो है जैसे तैसे लोग करते हैं। जी। लेकिन हम सोचे कि भाई हमारे शादी में इतने लोग आ रहे हैं, टारगेट तो हमारा कुछ और ही था, लेकिन फिर भी लोग 70 लोगों ने डोनेशन किया, काफी अच्छा लगा। शिवम जी, शादी का ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। शादी करके क्या फीलिंग, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा हमें कल की शादी में हमारी 22 जनवरी। जी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।